कि हाँ गैरी कुत्ते तेरी मॉम ही थी, वही छटके गई मैंने, तभी तू अपने डैड से इतने साल दूर रहा है ना, जबकि तुम खुद कभी गैरी से मिलने तक नहीं आए, कभी नहीं पूछा कि वो कैसा है। जसलीन मैम दूसरों के साथ भले ही कैसी भी, लेकिन उनके लिए गैरी हमेशा सबसे पहले रहा, और तुमने इसके मन में इसकी माँ के खिलाफ इतना जहर भर दिया, इसे घटिया आदमी हो तुम। मेरे डैड से बात नहीं कर सकते तुम, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, फिर मैं सिक्योरिटी बुला के धक्के मार के निकालूंगा, समझे? जा रहे, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कहना चाहती हूँ गैरी कि प्लीज प्लीज बीते वक्त को याद करो, याद करो तुमने अपनी मॉम के साथ कितना अच्छा वक्त बिताया है, याद करो वो तुमके साथ थे, तुम्हारी कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ, तुम्हारी मॉम ने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है प्लीज वो सब याद करो, उन्होंने तुम पर कभी कोई आज तक नहीं आने दी, तुम उन्हें इतने बड़े सदमे की आग में झोंक रहे हो, गैरी अगर इस दुनिया में किसी ने बिना स्वार्थ के तुमसे प्यार किया है तो वो तुम्हारी मॉम है, ये तुम्हारा डैड जिसका कुछ दिन पहले तक आता पता भी नहीं था, इसकी बातों में आके अपनी मॉम के खिलाफ मत हो तुम, उस मॉम के खिलाफ जिन्होंने हर वक्त हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, गैरी इस आदमी को सिर्फ अपना बदला लेना था, इसने सिर्फ तुम्हें एक जरिया बनाया है, तुम्हारा इस्तेमाल किया इसने, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए होंगे, लेकिन एक बेटे के मन में अपनी माँ के खिलाफ जहर भरने का जो तुमने पाप किया है ना, उसके लिए रब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हो गया भाषण, हो गया, अब जाओ और अपनी जस्सी बुआ, अपनी जस्सी मैम को कहना कि उसके रोने धोने का हम पे कोई असर नहीं होने वाला, और हाँ एक बात और समझाना उसको कि जिस तरह से पहले मैं उसके लायक नहीं था और मेरी उसके सामने कोई औकात नहीं थी, आज वो मेरे काबिल नहीं है और ना उसकी औकात है मेरे बराबर। औकात की बात अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद को छोटा समझते हैं। तुमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर से ये छोटा होने वाली फीलिंग है ना, ये नहीं जा रही है ना? खैर एक सलाह देती हूँ तुम्हें, बिल्कुल मुफ्त, वक्त बदलते और किस्मत पलटते टाइम नहीं लगते, जिस खेल में आज तुम्हारी जीत हो रही है ना, कल उसी खेल में तुम्हारी हार भी हो सकती है। साहिबा खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो और जल्दी से अपने घर जाओ, सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं उस घर में तुम्हारे, जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि बहुत जल्द तुम सबके सर से तुम्हारी छत भी छीनने वाला हूं मैं।